समाधान शिविर का जोन वन का, तो उसमें जो समस्या थी सीवर सफाई ना होने बारे राजेंद्र पार्क की, उसमें कंसर्न्ड जूनियर इंजीनियर को लोगों के फ़ोन समय से अटेंड ना करने के कारण से उनको तुरंत प्रभाव से उनकी तनख्वाह काटने के आदेश दिए हैं। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया आपके सारे काम हो जाएंगे। मेन समस्या अभी हमारे इनूपाल में फेज 2-1 घरी की सफाई की है। सफाई के नाम से हमारे जीरो है, कर्मचारी आते हैं कहीं दिखाई नहीं देते, कोई सफाई नहीं हो रही। हमने मांग की है कि GPA, SPA, ATS या एफिडेविट कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ID करेक्शन के लिए यूज करे जिससे कि आम जन को सुविधा हो सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंशिका और आप देख रहे हैं नव समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगाए गए समाधान सीवर व यूनाइटेड RAW फेडरेशन के संयोजक राकेश राणा, सह संयोजक आजाद कटारिया, प्रधान ईमान कादियान, सह सचिव मणिराम अग्रवाल, जय यादव व सागर के न्यू पालम विहार क्षेत्र की समस्याओं, सीवर ओवरफ्लो, जगह जगह अधूरी पड़ी पानी की लाइनें, हर जगह फैले हुए कूड़े के ढेर, गलत बनी हुई व ULP की साइट पर अनप्रूव्ड दिखाई दे रही प्रॉपर्टी आइडिया, 1 फरवरी को अधिकृत हुई कॉलोनियों की DPR बनवाने व उनकी रजिस्ट्रियां खोलने, फैक्ट्री आदि को हटाने हेतु नगर निगम CTP व संयुक्त आयुक्त सतीश पार्सर को ज्ञापन दिया, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। समाधान शिविर चल रहे हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही थी? समाधान शिविर हमारे पास में ज्यादातर जो शिकायतें हैं मुख्य तौर पर 60% के आसपास वो सीवर सफाई ना करने के बारे में शिकायतें आई हैं, और इसमें ज़्यादातर जो हमारी Division 6 की आई हैं जो कि राजेंद्र पार्क के आसपास का एरिया है, और बाकी जो शिकायतें हैं कुछ शिकायत जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो शिकायतें हैं वो सीवर सफाई से रिलेटेड हैं। सर, आज काम ना करने पे मुझे SPO और SCN वगैरह की सैलरी भी रोकी गई है, क्या कहेंगे इसको, किस तरह से? इसमें माननीय कमिश्नर महोदय अभी आए थे, उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पर खुद चेयर किया समाधान शिविर का जोन वन का, तो उसमें जो समस्या थी सीवर सफाई ना होने बारे राजेंद्र पार्क की, उसमें कंसर्न्ड जूनियर इंजीनियर को लोगों के फ़ोन समय से अटेंड ना करने के कारण से उनको तुरंत प्रभाव से उनकी तनख्वाह काटने के आदेश दिए हैं, और जो SDO और एक्शन है उनकी अथॉरिटी चंडीगढ़ है, तो उनको वहाँ लिखा है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। लोगों के दिमाग में एक जहन में बात चलती थी कि अभी भी लोग बात सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अधिकारियों ने पहले नहीं सुनी और मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे कि नगर निगम में भ्रष्टाचार गुरुग्राम में है। अब मंत्री चाहे राव नरवीर हों या फिर विधायक मुकेश पहलवान हो, सख्ती से आपके साथ पेश आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, इन सब चीज़ों को कैसे दिख रहे हैं, कैसे विश्वास अब जनता का आप जीतेंगे? सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के जो भी काम हैं उनको हमेशा समय से करें, और माननीय विधायक जनता के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो भी आदेश दिए हैं वो सरकार की तरफ से दिए हैं, तो हम उनको पूरा अक्षरश पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी शिकायतें कुछ जो तुरंत निपटान वाली थी वो हमने तुरंत कर दी हैं, कुछ समस्याएँ जिनमें समय लग रहा है हम सिटीजन्स को समस्या का कितना समय लगेगा वो उनको हम सूचित कर रहे हैं। धन्यवाद। समाधान शिविर कल से प्रारंभ हुआ है, आज आप समाधान शिविर में पहुंचे हैं, क्योंकि पहचान प्रभाव क्षेत्र को लेकर तमाम अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं जो सरकार और प्रशासन पर आरोप लगते हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? आज आपने एक ज्ञापन दिया है यूनाइटेड RWS फेडरेशन के द्वारा। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया आपके सारे काम हो जाएंगे। मेन समस्या अभी हमारे इनूपाल में बिहार Phase 2-1 घरी की सफाई की है। सफाई के नाम से हमारे जीरो है, कर्मचारी आते हैं कहीं दिखाई नहीं देते, कोई सफाई नहीं हो रही, पूरे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं गलियों में, बाहर देखो अंदर देखो पूरे मतलब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे गायें हैं पशु हैं वो उसी को खा रहे हैं, थैलियों को खा रहे हैं, वो बीमार भी हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी ये समस्या हल हो जाए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अपना नाम बताइए। मैं राकेश राणा, संयोजक यूनाइटेड RWA फेडरेशन। अपनी फेडरेशन के अंदर 21 के करीब RWA है, और आज हम आए समाधान शिविर के अंदर। यहाँ पे हमने मैंने जो समस्या रखी है वो 15-16 समस्याएं हैं पूरे न्यूपाल में यार क्षेत्र की। मेन समस्या जिसके लिए लड़ाई मैं पिछले 2 साल से लड़ता आ रहा हूँ वो लड़ाई है प्रॉपर्टी ID को लेके। आज भी हमने वो समस्या फिर से रिपीट करी है कि प्रॉपर्टी ID
जो हमारी गलत बड़ी हुई है पूरे क्षेत्र के अंदर, उनको लेकर हमने आज फिर से ज्ञापन दिया है। उस उन आईडीओ के लिए हमने बताया कि भाई आईडी ठीक ना होने की वजह से हमें दो दो लॉस है, एक तो हम टैक्स नहीं भर पा रहे, दूसरा उनको रजिस्ट्री से जोड़ दिया गया है जिससे कि रेवेन्यू का भी नुकसान है, और 70-80% वहाँ आईडिया गलत बड़ी हुई है। यूएलबी डायरेक्टर से लेके यूएलबी मिनिस्टर तक पिछली सरकार के दौरान हम अपने ज्ञापन दे चुके हैं। हम सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी आईडियो को ठीक कर दे, बिगर रिश्वत के बिगर पैसे के उनको ठीक करने का काम करे, ताकि हम अपना टैक्स निगम को जमा करा पाए और अपनी रजिस्ट्रिया करा पाए। बहुत से एरिया के अंदर जो कॉलोनी अप्रूव्ड होगी, आज भी हमारी आईडिया अप्रूव्ड नज़र आती है, उनको अप्रूव करने का काम कर दे, यही विनती मैंने यहाँ पे करी है समाधान शिविर में। सरकार भी इस बात का काफी चिंतन कर रही है कि समाधान शिविर को लेकर लोग बात करें, आप कितने दिन से इस को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आपने कहा जो सरकार ने भी आवेदन हमने इस पर कर दिए। साथ में एक सवाल और, ऐसे कितने आपके आर्ट डोडियो के लोग हैं जिनके साथ में जो ये समस्या सबके साथ में आ रही है, कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ में समाधान हुआ या बीती किसी के साथ नहीं हुआ? देखो, समाधान के लिए आज पहली बार हम इसमें आए हैं, कल से समाधान शुरू हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी के लिए 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, सरकार को भी पता है कि प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी हुई है, उसके लिए उनको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। हमने मांग की है कि GPA SPA ATS या एफिडेविट, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आईडी करेक्शन के लिए यूज करे जिससे कि आमजन को सुविधा हो सके, और हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर जितनी भी RW है सभी में प्रॉपर्टी आईडीओ को लेके रोष है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में इवन गुड़गांव क्या हरियाणा के अंदर भी 70-80% प्रॉपर्टी आईडिया गलत बनी हुई है, सभी RW बार बार इस पर आवाज़ उठाती रही है। सब अपना नाम बताएं और क्या समस्या है तो लेकर आज समाधान से आप पहुँचे हैं, और जो आपने ज्ञापन दिया है तो उसके आधार पर क्या आपको आश्वासन दिया है? मैं आजाद सिंह कटारिया, सेक्रेटरी सेक्टर 110 RWA न्यू पालन विहार। आज हम समाधान शिविर में आए हैं, ये आदेश हुआ है कि हमारी सब समस्याएं जो भी हैं वो हम लिखित में रूप में दें, हमने दे दिए, अपना ज्ञापन दे दिया है। मैं पिछले 30 साल से न्यू पालन विहार में रह रहा हूँ। पहले जब भी कभी हम आते रहे हैं किसी भी विभाग में अपनी समस्याओं को लोगे तो कई बार ये भी सुनने को मिलता है आपकी कॉलोनी अप्रूव नहीं है, अप्रूव नहीं। अभी फरवरी 2024 में हमारी कॉलोनी अप्रूव हो गई है, लिहाजा अभी हम सरकार से और नगर निगम से और गुड़गांव प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं और ये गुजारिश भी करते हैं कि जो भी अभी आज हमने ज्ञापन दिया है इसके मुताबिक इस पर तो कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए, DPR निपाण की बनाई जाए, आईडी प्रॉपर आईडी नहीं है और जो हैं वो भी गलत हैं उनको भी दुरुस्त कराया जाए। दूसरा, अगर GPA और SPA अगर मान्य नहीं है तो कृपया करके हमें वो सेल डीड कराने का भी तो आदेश दिया जाए ना, हम सेल डीड करा लेंगे तो ये सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो लिहाजा दूसरी मैं आखिर में ये बात जरूर, मंत्री जी ने जो राव नरवी साहब ने जो अभी आदेश फरमाए सबको जो डायरेक्शन दी पिछले 2 दिनों पहले वो हमें अच्छी लगी। सवाल अब ये है कि जो अधिकारी गण हैं और जो संबंधित अधिकारी गण हैं और जो कर्मचारी गण हैं वो जो भी हैं अच्छे हैं, पर और अच्छे और स्मार्ट और एक्टिव और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कम से कम हमारे इलाके में जरूर लगाए जाएँ, ताकि जो पिछले 30 सालों से अनदेखी रही है वो भरपाई हो पाए। कमांडेंट साहब, ये थोड़ी मन में और आपके दिल में कहीं डर बैठा रहता हो कि इन अधिकारियों ने पिछले मुख्यमंत्री की सुनी नहीं तो राव इंद्रजीत की, राव नरवीर की कहाँ से सुन लेंगे? राव नरवीर जी की ऐसा नहीं है, जो उनका पॉलिटिकल रहना है देखो उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, वो उनकी राजनीतिक लड़ाई, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है, राव नरवीर साहब ने ये भी कहा है कि भाई राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई वो हमारी अपनी है, पर जहाँ विकास की बात है विकास के लिए हम सारे काम मिलजुल के करेंगे। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, अधिकारियों ने जब मुख्यमंत्री की नहीं सुनी तो मंत्री की कहाँ से सुनेंगे, मैं ये जानना चाहूंगा। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इन चीजों में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, अगर आपने सवाल पूछा तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये मेरा भी अपना अनुभव है पिछले 10 साल का कि राव मनोहर खट्टर जी सरकार में जो है ना अधिकारी बिल्कुल अवॉइड करते थे और
पूरा भरपूर उनका आदेश का पालन नहीं होता था। तो हम अब ये उम्मीद करते हैं कि नायब सैनी साहब जो चीफ मिनिस्टर बने तो इनके टाइम में, इनके काल में जो है सभी अधिकारीगण और कर्मचारी पूरे भरपूर सहयोग देंगे और काम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मैं फौज का आदमी हूँ, BSS रिटायर हूँ, तो अगर जो काम नहीं करते तो CM साहब का संज्ञान लें और उनको सर्विस से आगे निरस्त करें, हटाएं उनको। मेरा नाम ईमान सिंह काजान है, मैं न्यू पालम बिहार फेस वन में रहता हूँ। हमारे यहाँ वेटरन एसोसिएशन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ लगभग कॉलोनी में आधे से ज़्यादा फौजी रहते हैं, सारे सीनियर सिटीजन्स हैं। हमारी कॉलोनी की आज की शिविर की हालत ये है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जो बिना पानी में से निकले घर पहुंच सकता है। कभी गाड़ी गिरती है, कभी इंसान गिरता है, हादसा होने का 24 घंटे खतरा बना रहता है। सारी गलियों में पानी भरा खड़ा है शिविर का, और निकालने का कोई साधन नज़र नहीं आ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं इस समस्या से। ये समस्या इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अप्रूवल होने का हमें ये वो मिला है, एक सौगात। हमारी फरवरी में कॉलोनी अप्रूव हो गई थी, उसके बाद ये समस्या और गंभीर हो गई है, और कोई देखने वाला सुनने वाला कोई है नहीं। बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हमने लिख के भी दिया है, मिल के भी गए हैं, आश्वासन हमेशा मिला है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं मिला है। तो हमारी यही विनती है जितना जल्दी हो सके हमें थोड़ा सा इस समस्या से निजात मिल जाए। धन्यवाद। वर्तमान के विधायक बासापुर और मंत्री रावल वर्तमान विधायक राव नरवीर, जो कि मंत्री अभी बनाए गए हैं, तर्मित हुए हैं, और मुकेश पहलवान, दोनों ही इस समय प्रशासन को लेकर बड़ी उनको संकेत सचेत किया है, संदेश दिया है कि आप जरा जरा काम करें। तो कैसे दिख रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हम मिल के आए हैं इसमें समाधान शिविर में, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है वो काम करेंगे। नहीं होगा तो फिर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, मंत्री से मिलना पड़ेगा या MLA साहब से, जहाँ भी मिलेंगे। पर आज आश्वासन दिया है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नाम बताएं। मेरा नाम नितिन गर्ग है और मेरी प्रॉपर्टी है सिग्नेचर सोलेरा के अंदर। तो हमारा काम पेंडिंग था लगभग 2 महीने से, तो बार बार डालना, रिजेक्ट होना, ये सब चल रहा था। लेकिन आज मैं सतीश पराशर जी के पास आया, जो ज्वाइंट कमिश्नर है गुड़गांव के, तो इन्होंने मेरी क्वेरी विद इन 35 सेकेंड सॉल्व कर दी। और मैं उनका सच्चे दिल से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आते ही मेरा काम उन्होंने पल भर में कर दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी ने समाधान शिविर का जो आयोजन किया है, हाँ जी, उससे आपका अकाउंट बहुत अच्छा हुआ है जी। मैं उनको सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब को। अधिकारी आपको लग रहा है काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल।